नमस्कार, मैं हूं संजय यादव। आप देख रहे हैं अपना नीमच। अभी जस्ट 19 तारीख के दिन वोटिंग होनी है लोकसभा चुनाव के लिए। और लोकसभा चुनाव की इस वोटिंग से पहले हमारे पास में वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता का एक इंटरव्यू है जो पिछले 5 साल पहले लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया था, मेरे ही द्वारा लिया गया था अपना नीमच के लिए। और अब आप देखिए कि उस समय सुधीर जी गुप्ता ने क्या वादे करे थे और कितने वादे उनने पूरे करे हैं, क्या बाकी रह गए हैं, तो अब आपको दिखाते हैं वो इंटरव्यू। संसदीय क्षेत्र के लिए भाजपा के उम्मीदवार सुधीर जी गुप्ता आज अपना नीमच के साथ में बातचीत के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आइए हम सुधीर जी गुप्ता से उनके आगे की प्लानिंग और वो क्या करना चाहते हैं, क्या सौगात जो है नीमच को मिलेगी, उस बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला सवाल, नीमच के विकास के लिए आपके दिमाग में क्या योजना है? मैं तो नीमच तो है ही है, कुल मिलाकर लोकसभा क्षेत्र जो है उसके प्रति सारी कल्पना जो मेरे मन के अंदर है। विकास कभी भी कंक्रीट से नहीं होता है। विकास क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि, राजस्व में वृद्धि और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में सुधार कैसे हो, उस पर करना चाहिए। लोगों की सोच सिर्फ कंक्रीट पर आकर ठहर जाती है। और जो माहौल चाहिए इस क्षेत्र को, मूल रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा अपना लोकसभा क्षेत्र, और इसमें औद्योगिक विकास की ललक है और इसलिए कहीं ना कहीं बढ़ता है घटता है। और कृषि पर आधारित जो काम होना चाहिए सेंट्रल स्तर पर, वो हुआ नहीं है इस क्षेत्र में। और जब तक राजस्व वृद्धि नहीं होगी, व्यक्ति की आर्थिक आधार नहीं बढ़ेंगे, तो मैं तो इसको मजबूती से लाऊंगा कि जो फसलें हैं उन सबके बेस को कैसे बढ़ाया जाए। और हम अगर इसी विकास की बात करें तो नीमच के लिए एक मुख्य मुद्दा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, CCI, सीमेंट और खासतौर पे अफीम, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। और एक अभी जो नया सर्कुलर आया उसके अंदर ये कहना है कि अब अफीम को खेत के अंदर ही जो है डिस्ट्रॉय करके और सीधे जो है अफीम निकाल ली जाएगी पौधों को डिस्ट्रॉय करके। तीन प्रश्न है आपके ये जी, इस पे आप जब संसद भवन में अगर आप पहुँचते हैं, हमारी अपना नीमच की शुभकामनाएं आपके साथ में, तो आपके क्या इस पे कदम रहेंगे? नहीं, मैं तो पहले जैसे ही मुझे वहाँ पहुँचने के बाद पहला अवसर मिलेगा, मैं इस चीज पर काम करूँगा। क्योंकि अफीम की नीतियों से छेड़छाड़ करने के पहले किसान से कोई बहस ही नहीं करी, कोई डिबेट नहीं हुआ, न किसानों को सम्मिलित किया, न पत्रकारों को सम्मिलित किया, न जागरूक नागरिकों को सम्मिलित किया। और जिन लोगों ने उस नीति पर आगे काम कर लिया, मैं इसे एक धोखा ही मानता हूँ। कि आप नीतियाँ डिसाइड करने वाले एकदम से आप अधिकारी नहीं हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था, सैकड़ों सालों से किसानों ने इस फसल को अपने क्षेत्र के लिए विकसित किया है और आप सीधा मार्फिन निकालेंगे, वो ठीक है, आपका अपना योजना हो सकती है, लेकिन लगभग लगभग मैं सोचता हूँ कि जो किसान इसमें पट्टेधारी हैं, वो एक समय 70,000 थे, अभी 22-25,000 हैं। लेकिन उनके साथ जो लूनी चिरनी करने वाले जो किसान उसमें लगे रहते हैं, उनकी संख्या लगभग 2.5 लाख है। तो आप पहले ही दिन 2.5 लाख लोगों को बेरोजगार करने की नीति लिया है। और मैं इसमें सबसे बड़ा जो सदमा लगेगा नीमच क्षेत्र को ही, अगर आप नीमच की बात करते हैं, तो आर्थिक रूप से अवरोध होगा, व्यापार के विकास रुकेंगे और क्षेत्र में जो किसानों की माली हालत है उसमें गिरावट आएगी। तो मुझे ये रोकना है, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ना है। इन्होंने क्या डिजाइन कर लिया, कैसा डिजाइन कर लिया, उन सब मुद्दों को देखना है। एग्रीमेंट हो गए हैं तो किस आधार पर हो गए हैं, और जो मुझे जितनी जानकारी आई है, मैं खैर उस पर अभी बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको रोकने के लिए प्रयास करूँगा। मैं परंपरागत अफीम की खेती के पक्ष में ज़्यादा रहूँगा, और अगर कोई परिवर्तन करना है तो फिर किसानों का उसमें बहस में सम्मिलित करने के बाद ही परिवर्तन होगा। उसमें आर्थिक वृद्धि इतनी आसानी से इस क्षेत्र की मैं अवरोध नहीं होने दूंगा। रेलवे, जब रेलवे के नहीं, आपका दूसरा प्रश्न है DMIC का, CCI दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर आपने जो पूछा है। अब 17,000 करोड़ का आधारभूत संरचनाओं पर जापान ने निवेश किया, सब कुछ था, और जितना माहौल इस क्षेत्र को जिन लोगों ने भी दिया, उसमें सांसद की भूमिका जो होनी चाहिए थी, उसमें ऐसा कोई निखार नहीं दिखा। मुझे तो उदासीनता ही दिखी है इस क्षेत्र के प्रति, ललक नहीं है मन में, और ललक नहीं तो काम कैसे करोगे आप? कोई चीज़ होना नहीं होना अलग चीज़ है,
लेकिन आपकी अपनी ललक दिखनी चाहिए कि हमने ये सब कुछ किया है, वो मुझे नज़र नहीं आया। और उसमें कितनी गुंजाइश बची है, उस कॉरिडोर के संबंध में कितने काम आगे बढ़ चुके हैं, मैं उसमें कहीं ना कहीं उसको रिवाइज करने के लिए काम करना है, उस पर मैं काम करूँगा। कितनी सफलता मिलती है ये अलग प्रश्न है, मगर उस पर काम होना चाहिए था और उसको आगे बढ़ाना है। आपका तीसरा प्रश्न CCI को लेकर है, वहाँ बताएं किसान उस यूनिट के लगने के बाद अपनी भूमियों को जिन्होंने छोड़ा था और जो मजदूरी करने लगे थे, ऐसे हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं। आपने 5 साल में कभी ध्यान ही नहीं दिया। उस यूनिट को आप प्राइवेट सेक्टर में दे सकते थे, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते थे, कहीं ऐसे प्रयास आपने करने चाहिए थे जिससे रोजगार बढ़ता। बात भाषण में तो कोई भी कर लेगा कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन पब्लिक को विश्वास कैसे होगा। आपका कोई ऐसा सार्थक प्रयास मुझे तो नज़र नहीं आया और ये मुझे करना है। CCI की यूनिट के संबंध में हम बिल्कुल बात करेंगे और ये नीमच के लिए बहुत बड़ी गौरव की चीज़ जो उसके प्रारंभिक दौर में आई थी और नीमच की आर्थिक विकास की वृद्धि का कारक जो रहा है उसमें अफीम एक है, CCI दूसरा काम है। और अफीम में भी मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आपका जो अल्कोलाइट यूनिट है इसमें आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, उस पर भी काम आगे होना चाहिए, हम उस पर आगे बढ़कर बात करेंगे। एक समय वो था जब नीमच में मीटर गेज चलती थी और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ आती थी। जब ये ब्रॉड गेज हुआ उसके समय उसके बाद में ये गाड़ियाँ यहाँ से बंद हुई। रेलवे विकास के लिए आपका क्या कदम रहेंगे? मैंने तो इसको प्रारंभ में ही कह रहा हूँ बार बार मैं, कि जिन चीज़ का प्रचार किया जा रहा है कि हमने ट्रेनें चला दी, देखिए ठीक है आप प्रशंसा लोगों की बटोर सकते हो, लेकिन अगर दिल्ली से मुंबई ट्रेन चल रही है और आप बीच में आ गए हैं, आपकी अपनी हो सकता है कि 1-2-4 ट्रेन में सार्थकता हो, पर क्या ग्लोबलाइजेशन का दौर है, विश्व जिस प्रतिमानों पर आगे बढ़ गया उसमें दरकार थी कि यहाँ दोहरीकरण की, विद्युतीकरण की, हम नहीं पहुँचे। अच्छा आप बताएं, मुझे तो ये आश्चर्य हुआ कि शायद ये जानकारी का अभाव रहा है कि आज किसानी क्षेत्र है और जो गुड्स की आवक रहती है आपके लिए उन गुड्स को के लिए रेट पॉइंट कहाँ है। मंदसौर, जावरा, नीमच, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि इन रेट पॉइंटों को बनाने के लिए पहल ही नहीं हुई है, दोहरीकरण के लिए पहल नहीं हुई है, तो किया क्या गया है? और 5 साल कोई छोटी उपलब्धि नहीं होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल में हिंदुस्तान का नक्शा पलटा था। ये आज आपकी बहस का मुद्दा नहीं है इसलिए मैं उस लाइन पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 5 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता है। एक अपन सीधे से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने में आ रही है कि जब आप संसदीय उम्मीदवार बने हैं और आगे भी जाकर संसदीय जो उम्मीदवार होता है, सांसद जो होता है, उनका आगे जो नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसमें अहम योगदान हो रहा है, लेकिन जनाधार वाले नेता जो हैं वो आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या जो है पूरे मन से वो आपके साथ प्रचार में नहीं लगे हैं। नहीं, पहला तो ये कि जनाधार किसे कहते हैं। मेरी पार्टी विचारधारा के आधार पर काम करती है। अब मैं इस पार्टी का जिले का अध्यक्ष हूँ, मंदसौर जिले का, और ग्रास रूट पर मेरी अपनी पकड़ है। 1000 से अधिक गाँव हैं, उन सब में मेरे अपने ताल्लुकात हैं। और ये तो जिले का विभाजन हुआ, उसके पहले मैंने छात्र राजनीति से लेकर अन्य संगठनों में संयुक्त जिले में काम किया है। ऐसे 8 से अधिक संगठन हैं जिसमें मैंने संयुक्त जिले में काम किया है। जनाधार किसे कहा जाता है मुझे समझ में नहीं आया ये। और जहाँ तक मेरी पार्टी के नेताओं का प्रश्न है, मुझे तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है, सारे के सारे मेरे साथ चल रहे हैं, रोज़ मीडिया में हैं, रोज़ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब मस्ती से पार्टी का काम हो रहा है। शायद लोगों को, और मैं तो इस बात को मानता हूँ कि विपक्षियों के पास कुछ है नहीं मुद्दे, तो अब कहाँ कुछ तो चर्चा होनी चाहिए ना। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो चर्चा के यही बिंदु निकालेंगे। एक मेन चीज़ जो है, सुधीर गुप्ता को व्यक्तिगत समर्थन मिल रहा है या सिर्फ ये मोदी लहर है? देखिए, देश दिशा की तय कर चुका है और मैं तो उसको भारत की नहीं दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार मानता हूँ। ये लोगों ने देख लिया है, लोग उससे मुक्ति की कामना में लगे हैं।
और मोदी जी ने देश को ये दिशा दी है, विश्वास जगाया है, तो मोदी जी तो है ही। मोदी जी के साथ साथ शिवराज जी का भी अपना बड़ा सम्मान है क्षेत्र में। और मैं जहाँ तक अपने आप को मानता हूँ, मैंने कभी भी अपने पदों को लेकर अभिमान नहीं किया है। मेरे पास बरसों कई संस्थाओं के पद रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक। पद कभी अभिमान की चीज होती नहीं है। और जहाँ तक मेरा अपनी लहर का प्रश्न हो, तो मैं लोगों के दिलों में बैठा हूँ। और जब मैं दिलों के अंदर बैठा हूँ, तो वो तो आपको किसी भी गाँव में आप उठकर चले जाओ नजर आता है। कुछ गाँव में हो सकता है मेरा संपर्क कम रहा होगा, लेकिन मुझे कोई ज्यादा समय नहीं लगा संपर्क बनाने में। ब्याज के व्यापार का इल्जाम आप पे बार बार लगता है, ये चीज एक सुर्खियों में रही है कि इस कारण से जो है कहीं ना कहीं किसान या कुछ लोग परेशान हुए हैं, इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? देखो, ऐसा है कि कोई किसी पर कुछ भी लगा दे, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मैं वैश्य वर्ण से आता हूँ, तो आप उस पर ये चीज तो क्योंकि व्यापारी है वो, आप कह सकते हो। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मेरा जो पारिवारिक बिजनेस है, उससे मैं 96 के आसपास बाहर हो गया था। 16-18 साल मेरे जीवन में समाज के क्षेत्र में है, और कहीं से कहीं तक मुझे नहीं पता है कि मैंने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन इन 18 सालों में किया हो जिसको हम इस लाइन पर ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इन सब चीज़ों से। कांग्रेस की उम्मीदवार हैं मीनाक्षी नटराजन, वैसे देखा जाए तो 5 साल उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है, कोई ऐसा कोई इल्जाम आया नहीं है। अभी उनको फेस करने में व्यक्तिगत रूप से आपको क्या कठिनाई आ रही है, या आपको क्या लग रहा है जो उनका एक जिसमें वो मतलब जनता की जो उम्मीद है उस पर खरी नहीं उतरी है? नहीं, मैं तो देखो आरोप लगाना नहीं चाहता और दाग ढूंढना भी नहीं चाहता। मैं अपने जीवन में बड़ी लाइन खींचने का आदी हूँ। आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, ये जनता खुद जानती है। और मैं तो डिबेट इसी बात पर करूंगा कि क्षेत्र में हमने जनप्रतिनिधि के रूप में जो अवसर मिले हैं उसका उपयोग होना चाहिए। और जनता ने खुद देख लिया है, उदासीनता अगर कोई साफगोई का कारण बन जाए कि हम कुछ न करें, वो तो आरोप ही नहीं मिलेंगे। आप करके उन क्षेत्रों में आकर खड़े हो, और ये किसी भी परिवेश में एक सांसद की भूमिका सिर्फ क्षेत्र तक नहीं सीमित होती है। शायद पता नहीं लोगों के मन में धारणा अपने उस क्षेत्र के प्रति, सांसद चुना जाता है किसी एक क्षेत्र से, पर वो देश के लिए काम करता है। और जब तक आपकी भूमिका देश और क्षेत्र दोनों के लिए नहीं होगी, मैं नहीं मानता हूँ कि हम कुछ कर पाएंगे। और ये क्षेत्र ठगा सा महसूस कर रहा है। लोकसभा क्षेत्र तो उपलब्धि के नाम पर जीरो है, कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें आप छोटी बड़ी गिना दो, जिस परिवेश में आप हो, सांसद हो, देशज आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए थी, और जो समय आपको मिला है, मैं उसको कहीं ना कहीं असफल ही मानता हूँ। भाई साहब, एक स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नीमच को आपके सांसद बनने से क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहली तो कुछ चीज़ें जो नीमच वैसे भी मध्य प्रदेश में भी उभरते हुए नक्शे पर है, एक अच्छा माहौल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी ने दिया है। हमने ऊर्जा के क्षेत्र में अभी माननीय ओम सकलेचा जी के प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक अच्छा संस्थान यहाँ आते हुए देखा है। तो माहौल तो प्रदेश दे रहा है, लेकिन सेंट्रल की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उन पर काम होना चाहिए। अब आपका जैसे बघाना क्षेत्र है, कई बार कटा कटा रहता है, उसकी अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज की मांग है और उसे सुधरना चाहिए। उस क्षेत्र कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो मेरी प्राथमिकताओं में होगा वो। और जब एक माहौल देने का मैं प्रयास करूंगा, अफीम पर आपको फसलों के संबंध में मैं माहौल देने का प्रयास करूंगा ताकि आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी इस क्षेत्र की। सवाल शुरू में रह गया था जो मैंने पूछा था आपसे, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए आपने स्थानीय घोषणा पत्र में कुछ नहीं कहा है। देखिए, एक बात है कि जिन्होंने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर लिख दिया, शायद मैं नहीं सोचता हूँ कि स्थानीय स्तर का कोई बजट होता होगा या कोई प्लान आता होगा। ये सब नेशनल इशू है। नेशनल इशू किसी थीम पर, महिला, अल्पसंख्यक, ये सब राष्ट्रीय इशू हैं, और देश के परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय
घोषणा पत्रों में बहुत स्पष्ट नीतियां हैं महिलाओं के कल्याण के लिए। तो जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया सारे लोग शून्य हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हज हाउसेस से लेकर हज जाने की सुविधाओं से लेकर उनके कल्याण के लिए जितने काम अटल जी से लेकर और शिवराज जी के उसमें मदरसों के सुधार से लेकर लंबा विषय है और जितने काम हुए उसकी तुलनात्मक अध्ययन कर लो तो कांग्रेस ठहर भी नहीं पाएगी। और स्थानीय में क्यों ये प्रश्न बना मुझे पता नहीं है। और ना तो कोई बजट होता है स्थानीय में, ना कोई आधार होता है, न कहने के लिए कुछ होता है, न करने के लिए कुछ होता है। तो छापने में तो कुछ भी छाप दो, कहने में कुछ भी कह दो, पर मैं समझता हूँ कि इस चीज़ों पर व्यापक सोच आनी चाहिए कि हमको किन मुद्दों को नीचे ले जाकर, और ये भावनाओं से खेलने की चीज़ें नहीं करना चाहिए। स्थानीय संकल्पों में तो इन सबका सम्मान होना, इन सबको कई दुविधाएं हैं तो एक सांसद को खड़ा रहना चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन दोनों वर्गों के कल्याण के लिए बहुत अच्छे काम जो परिणामों में आएंगे वो हमें सबके ध्यान में। अपने नीमच को समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे संसदीय उम्मीदवार सुधीर जी गुप्ता, जिनने बेबाकी से अपने कई सवालों के जवाब दिए। अब आने वाला वक्त 24 तारीख के बाद में 16 मई बताएगा कि जो जवाब है वो जनता के पैमाने पे कितना खरा उतरते हैं। धन्यवाद।